हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही खास गवर्नमेंट जॉब अपडेट। हालांकि पहले मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कोई सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराने की, लेकिन फिर मुझे इस गवर्नमेंट जॉब की कुछ खास बातों के बारे में पता चला और ये खास बातें ऐसी हैं जो कि 100 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में से एक दो में ही मिलेंगी, जो कि इस गवर्नमेंट जॉब को सबसे खास बनाती है, सबसे डिफरेंट बनाती है, सबसे यूनिक बनाती है। इस गवर्नमेंट जॉब के अपने कुछ प्लस पॉइंट है जो कि आपको हैरान करके रख देंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इसका यही है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम रहेगा, कम क्या ना के बराबर रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। दूसरा प्लस पॉइंट मुझे सबसे बेहतरीन लगा कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही दिन पर कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कोई भी सेकंड स्टेज नहीं है, एक एग्जाम होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन। साथ ही दोस्तों, अगर आपका मैथ्स वीक है या फिर आपको लगता है कि इंग्लिश में मैं वीक हूं, समझ नहीं आती, तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब पोस्ट स्पेशल आपके लिए ही है। डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है, जॉब प्रोफाइल की तो पूछे ही मत, बहुत ही जबरदस्त काम है। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी बहुत ही जबरदस्त आपको मिलेगी, हैरान हो जाओगे कि भाई इस पोस्ट के ऊपर इतनी बढ़िया सैलरी। साथ ही दोस्तों, जॉब लोकेशन सुनकर सभी खुश हो जाओगे कि यार यहीं तो जॉब लोकेशन चाहिए थी, हमें भी तो यहीं पर काम करने के लिए जाना है। और यार पोस्ट का नाम सुनते तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन यार रियली में आ जाएगा कि यार यही तो पोस्ट का सपना देखा है बचपन से हमने। तो ये काफी यूनिक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूं इसके वीडियो में। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, डिपार्टमेंट पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही एग्जाम सिलेबस भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा, सैलरी किस पोस्ट के ऊपर कितनी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट बिंदास इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है यूसीबी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। नहीं समझ आया, यूसीबी का मतलब है उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी, बी और ए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जा रहा है उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड के द्वारा, और जैसे कि आपको पहले बताया ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। उत्तराखंड के बाहर भी आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलने वाले हैं, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा किन कैंडिडेट्स को यह रिक्रूटमेंट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 233 यहां पर निकली हुई है। देखिए दोस्तों, इसमें एक पोस्ट है हमारी क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है। हमेशा से आपने बैंक में कैशियर को देखा है, पैसे गिनते हुए देखा है, वो एक मस्त अलग फ्रेश कैबिन में बैठा होता है, सबको देख के लगता है कि यार काश हमारी भी जॉब ऐसी होती। तो भाई इसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है, 162 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। दूसरी पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर की, टोटल वैकेंसीज 54 है। और तीसरी इंटरेस्टिंग पोस्ट है सीनियर ब्रांच मैनेजर की, टोटल वैकेंसीज 9 है। और चिंता मत करिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगी गई है, इजीली सभी लोग यहां पर एलिजिबल होंगे, ये भी तो खास बात है। तो दोस्तों टोटल 13 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बैंक्स के अंदर ये वैकेंसीज निकली हैं। सभी बैंक्स की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बैंक वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास प्रेफरेंस होती है कि भाई किस बैंक से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, इस कैटेगरी से इतनी वैकेंसीज निकली हुई है। इंपोर्टेंट डेट्स को डिस्कस करें, ऑनलाइन फॉर्म इसके 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, 21 से 42 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी एज ऑन 1st ऑफ जुलाई 2024 को होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 1st ऑफ जुलाई 1982 से लेकर 1st ऑफ जुलाई 2003 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप उत्तराखंड के रेजिडेंट हैं तो ही आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। वैकेंसीज ठीक ठाक है जनरल कैटेगरी से, चिंता मत करिए, जनरल से बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, पोस्ट तो इसमें काफी सारी है, लेकिन ये तीन पोस्ट सबसे बेहतरीन है कि क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर। तीनों ही पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है। मार्क्स मैटर नहीं करते, चाहे कितने भी परसेंटेज के साथ आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है भाई आप एलिजिबल हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी किया है बिंदास फॉर्मल अप्लाई करिए, कोई आपको नहीं रोक सकता। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, क्लर्क कम कैशियर की ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर ब्रांच मैनेजर ग्रुप बी की पोस्ट है, सीनियर ब्रांच मैनेजर ग्रुप ए की पोस्ट है। अब देखिए, जैसे कि क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है, इसमें केवल एक ही सिंगल स्टेज के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है, केवल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, उसके एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तीन पोस्ट है आपके यहां पर, एक क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है, जूनियर ब्रांच मैनेजर है और सीनियर ब्रांच मैनेजर है। जो क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट है और जूनियर ब्रांच मैनेजर है, इन दोनों पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। तो पहले इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न को समझिए, सीनियर ब्रांच मैनेजर का थोड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों, इन दोनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे, इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस है काफी बेसिक होंगे, इजी होंगे, आप इजीली कर लोगे। तीसरा सब्जेक्ट जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का रहेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। चौथा सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 15 मिनट में सॉल्व करना है। पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। छठा सेक्शन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 15 मिनट सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे 200 और 200 नंबर का पेपर रहेगा, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश यानी कि बायलैंग्वल आपका क्वेश्चन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, हालांकि कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग है ये क्लियर नहीं किया गया, लेकिन बस ये बताया गया कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। अब एक पोस्ट आपकी सीनियर ब्रांच मैनेजर, इसको भी समझ लीजिए, यहां पर रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के अंदर और 15 मिनट के अंदर आपको इनको सोल्व करना है। साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है ना, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर 15 मिनट सोल्व करने के लिए टाइम है। साथ ही फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, ठीक है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, यहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस है, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर 25 मिनट के अंदर सोल्व करना है। इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, यहां पर हिंदी नहीं है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर 15 मिनट के अंदर सोल्व करना है। कंप्यूटर नॉलेज है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर 10 मिनट के अंदर सोल्व करना है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके एग्जाम की रहेगी। तीनों पोस्ट का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की। तो दोस्तों, इन सभी पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप पूरे सिलेबस को इजिली अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा, क्योंकि कोई और अदर स्टेजेस इसमें नहीं है, क्लियर है। सबसे पहले एक और चीज बता दूं, आपको हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना है। यहां पर फाइनल मेरिट जो बनेगी ना, वो आपकी 120 नंबर में, सॉरी 200 नंबर में से बनेगी, क्योंकि एग्जाम आपका कितने नंबर का था, 200 नंबर का था, चाहे वो आपकी सीनियर ब्रांच मैनेजर हो, जूनियर ब्रांच मैनेजर हो, या फिर क्लर्क कम कैशियर हो। तो 200 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, कैटेगरी वाइज रहेगी और बैंक वाइज ही रहेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बैंक वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, जिस भी बैंक से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जिस भी बैंक ब्रांच के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप उस ब्रांच की उस पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होगी। हालांकि प्रेफरेंस रहने वाली है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस ब्रांच में है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। फाइनली बात करते हैं भैया सैलरी के बारे में, बताइए, ठीक है, एग्जाम सेंटर्स वगैरह आगे मैं आपको बता रहा हूं। सैलरी क्या रहेगी, क्लर्क कम कैशियर ग्रुप सी की पोस्ट है, काफी बेहतरीन सैलरी मिलेगी। जस्ट आउट ऑफ सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको इसमें 45,000 तक देखने को मिलने वाली है, 45,000 जस्ट आउट ऑफ सिलेक्शन सैलरी आपकी है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। दूसरी पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी लगभग 52,000 से 53,000 के आसपास रहेगी, जो कि काफी बढ़िया सैलरी है। तीसरी पोस्ट है सीनियर ब्रांच मैनेजर, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 65,000 के आसपास रहेगी, तो सैलरी काफी बढ़िया है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जॉब प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है।
हर एक पोस्ट के ऊपर आपको क्लरिकल काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जो है, हर एक पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एक बैंक ब्रांच के अंदर आपको प्रॉपर अलग कैबिन मिलेगा, चाहे वो कैशियर क्लर्क का काम हो, वो तो आपको पता ही है, क्लरिकल काम करोगे, कंप्यूटर बेस्ड काम करोगे, कैशियर का काम करोगे, क्योंकि बैंक की ये जॉब है, ठीक है, नोट गिनने का काम करोगे, ठीक है। दूसरा जूनियर ब्रांच मैनेजर, यहां पर आप ब्रांच के मैनेजर रहोगे, यानी कि जो सीनियर ब्रांच मैनेजर होता है उसको आप एक तरीके से असिस्ट कर रहे होते हैं, यहां पर भी आपको अलग कैबिन मिलता है। सीनियर ब्रांच मैनेजर तो है ही, पूरी ब्रांच को हेड करेगा, सीनियर ब्रांच मैनेजर आपके अंडर पूरा स्टाफ आएगा, यानी कि 30-40 लोग आपके अंडर काम कर रहे होंगे, आप पूरी कमांड कर रहे होंगे, ठीक है, ऑर्डर दे रहे होंगे पूरी ब्रांच को। एग्जाम सेंटर्स, जैसे कि शुरुआत में बताया, भले ही उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के अंदर ये जॉब निकली हो, लेकिन आपको उत्तराखंड के अंदर तो एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे, जैसे कि देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, उसी के साथ साथ उत्तराखंड के बाहर भी आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे, यानी कि जो लोग उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं ये उनके लिए स्पेशल किया गया है। न्यू दिल्ली के अंदर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, तो अगर आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार से बिलोंग करते हो, तो मतलब बिहार के लिए भी है एग्जाम सेंटर दूसरा है, तो आप या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले, तो इजीली न्यू दिल्ली से फॉर्म अप्लाई, मतलब न्यू दिल्ली में आपका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, चूज कर लीजिएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को चूज कर पाओगे। अब एक लखनऊ भी इसमें एग्जाम सेंटर है, तो भाई जो यूपी वाले हैं या फिर बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं, तो वो इजीली लखनऊ एग्जाम सेंटर को चूज कर लीजिएगा। एक आपका इसमें मेरठ भी रहेगा, वही यूपी वाले जो आसपास के लोग हैं वो अपना मेरठ से फॉर्म अप्लाई, मेरठ के लिए को एग्जाम सेंटर डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा यार, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। जॉब लोकेशन देखिए, जॉब लोकेशन आपकी उत्तराखंड के अंदर ही रहेगी, देवभूमि के अंदर जॉब करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। सभी लोग सोचते हैं कि यार इस भीड़ भाड़ से तंग आए, कहीं पहाड़ों में चले, शांति की जगह चले, कौन नहीं चाहता होगा यार उत्तराखंड के अंदर जॉब करना, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे, चलो सॉरी, लेकिन मुझे तो लगता है कि यार कोई ऐसी सी शांत सी जगह मिल जाए और मजा ही आ जाए, तो उत्तराखंड के अंदर आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। साथ ही बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में, हाँ ये बताना भूल गया था मैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो, फिर चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, 1000 रुपए आपको पे करने हैं। एसटी एससी वालों के लिए 750 रुपए यहां पर फॉर्म फीस रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग दे दी है, थोड़ी यूनिक है, थोड़ी अतरंगी रिक्रूटमेंट है, इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काफी खास चीजें हैं इस रिक्रूटमेंट में, ठीक है, तो ट्राई जरूर करिएगा, मिस मत करिएगा। ऐसे ही वो वैकेंसीज होती हैं जो कि चुपके से सिलेक्शन दिला देती हैं, ठीक है, पास वालों को कानों कान तक खबर नहीं होती, बस वही ये ही बोलते नजर आते हैं आपके रिश्तेदार भी, यार इसका सिलेक्शन कब हुआ, इसको इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब कब मिल गई। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे जब आप भागोगे तभी आपको मिलती है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक्स के पीछे तो सब भाग रहे हैं, तो थोड़ा सा भीड़ से हटके चलने की कोशिश करिएगा, सफलता गारंटेडली मिलेगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, पसंद आएगा लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।